राजमाता अनंत कुमारी पब्लिक स्कूल अवागढ़ में कक्षा 11वीं के छात्र देवेंद्र चौहान द्वारा हिंदुस्तान ओलंपियाड द्वारा आयोजित परीक्षा में जिला टॉप करने पर 2100 का चेक हिंदुस्तान न्यूज एजेंसी द्वारा दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विकास जैन व उप प्रधानाचार्य श्रीमती सुप्रभा शर्मा द्वारा छात्र को सौंपा गया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। वहीं विद्यालय के संरक्षक युवराज अमरीश पाल सिंह द्वारा भी विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ाने के साथ ही रक्षाबंधन व 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी गईं और क्लास 10वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के साथ ही अन्य क्रियाकलापों की भी विस्तृत जानकारी साझा की गई। वहीं विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य विकास जैन एवं उप प्रधानाचार्य श्रीमती सुप्रभा शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को शासन द्वारा जारी किए गए हर घर तिरंगा के तहत तिरंगा झंडा का वितरण किया गया और सभी विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के साथ ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। वह विद्यालय के प्रधानाचार्य व वाइस प्रिंसिपल द्वारा उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान सुमित शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ की मौजूदगी रही। रिपोर्ट राघवेंद्र अगरिया। सर, वी आर वेरी प्राउड टू से दैट हमारे राजमाता अनंत कुमारी पब्लिक स्कूल के छात्र देवेंद्र चौहान, जो कि क्लास 11 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सो वी आर प्राउड टू हैविंग दिस थिंग और आज हिंदुस्तान ओलंपियाड ने उन्हें 2100 का चेक भी दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चे इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें और इसी तरह से सबका समर्थन हमें वक्त पर मिलता है। इस चीज़ की कामना करती हूँ। बाकी सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। आपको, अपने देशवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। खासतौर अपने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथी महाराज जी, आपके विद्यालय में कितने बच्चों ने हाई स्कूल में टॉप किया है? हमारे स्कूल में क्लास 10 का इस बार CBSE का रिजल्ट 100% रहा है जी, और उनमें से जैसे अभी प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी श्रृंखला में जो हम जिसने टॉप किया है वो है कुमारी समीक्षा जी। वो हमारी क्षेत्र की लड़की है, उसने टॉप किया है हमारे स्कूल में। उसको 88% मार्क्स मिले हैं CBSE में और ऐसे 7-8 बच्चों को 88% के आसपास मिला है। एंड खुशी की ये बात यह है कि हमारा 100% रिजल्ट रहा है हमारे स्कूल का जी। और पहली बार CBSE क्लास 12 के जो बच्चे हैं अपने बोर्ड 2023 में हमारे स्कूल से देंगे। हिंदुस्तान ओलंपियाड जो हिंदुस्तान पेपर है वो कनेक्ट कराता है, उसमें एक बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, उसको चेक 2100 रुपए का आया था, उसको हमने चेक दिया है जी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटगन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।